हूं तेजवीर सिंह अलूना, आप देख रहे हैं NDTV न्यूज़। मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी। बात करेंगे वर्तमान किसान आंदोलन और किसानों के हालात पर। चौधरी साहब, लखीमपुर में सरकार की क्या मंशा है, क्या किसानों की बात सुनेगी, ये क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जो दोषी है वो पकड़े ही नहीं गए। जो अजय टैनी है, मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, वो भी बाहर है, गिरफ्तार नहीं करा। आपकी एक बाइट सुनी थी कि वो नेपाल में तस्करी करता था, तो वो तो पहले से ही अपराधी है? अपराधी तो ही, वो तो वहाँ के क्षेत्र के लोग कहते हैं। अभी वो देश का गृह राज्य मंत्री है, उसकी गिरफ्तारी हो और उसको बर्खास्त करें, ये डिमांड हमारी अभी रह रही है। अच्छा, जो चुनाव 2022 में होने वाला है, कि चुनाव में हम किस तरह की दवाई दोगे आप लोग? देखो क्या होता है, चुनाव आने दो पहले, अभी चुनाव आचार संहिता लगी दी है। हाँ। अभी तो मीटिंग चली हुई है और हमने ये कहा कि आप बातचीत करो, जो किसानों के मसले हैं उसका समाधान करो। चुनाव के तो अभी 5 महीने, 6 महीने, 1 साल होने वाला है। पूरी सर्दी, पूरी गर्मी, बारिश निकल गई है, लेकिन सरकार मान नहीं रही। मतलब और आप आंदोलन को क्या नई रणनीति देंगे ताकि आप आंदोलन की धार तेज हो और सरकार पर ज़्यादा असर पड़े? ये चल रहा मूवमेंट जो चला हुआ है, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है, पूरे देश में आंदोलन है। बिल्कुल। और जो भी संयुक्त मोर्चा कॉल देता है उस पर पूरे देश पर रिएक्शन होता है, तो शांतिपूर्ण तरीके का यही एक आंदोलन हो सकता है। लोकतांत्रिक देश में इसी तरह के मूवमेंट चलते हैं। आप इतना मूवमेंट करते हो पूरे देश में, किसानों के साथ जाते हो, सुख दुख में जाते हो, कहाँ से इतनी शक्ति मिलती है चौधरी साहब? नहीं नहीं, वो तो मिलता है पूरा, जो हमारे लीडर्स हैं, हम अकेले नहीं, ये 40 लीडर हैं इस पूरे आंदोलन के, और हर आदमी जगह जगह जाता है, तो इसीलिए पूरे देश में एक जागृति है, कोई अकेला आदमी ये मूवमेंट नहीं चला सकता। ये दुनिया का आज तक सबसे बड़ा, सबसे लंबा आंदोलन हो गया है। क्या लगता है कि ये मांग मानेंगे या कानूनों में संशोधन करेंगे, क्या हो सकता है? देखो, अगर ये किसी पार्टी की सरकार होती हाँ। तो वह जरूर बातचीत करती। बिल्कुल। ये है कंपनी की सरकार, मोदी सरकार जो है उसको कंपनी चलाती है, तो ये तो कंपनी की तरह से पूरे देश को डील कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में ये सवाल खड़ा हो गया है कि रोटी और अनाज पे क्या पूरी दुनिया कि जो उद्योगपति हैं वो कब्जा करना चाहते हैं, तो इसका हर जगह एक बड़ा मैसेज जा रहा है, और पूरी दुनिया में नो फार्मर्स नो फूड के बैनर लग रहे हैं आज। yes, देखोगे बिल्कुल, पूरे देश भर में ट्रैक्टरों से आंदोलन होते हैं। बिल्कुल। फ्रांस और बेल्जियम, कई कंट्री से फ़ोन आए, उनसे कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पे भी कहते हैं कि यहाँ का भी किसान तंग हालात है। मीडिया पे कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। बिल्कुल। ठीक है, पूरे देश के जो संस्थान हैं उन पर कब्जा हो चुका है, तो कोई बोल लगा नहीं, ये देश की जनता, देश का युवा ये सब बोल लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, पुलिस और पैरामिलिट्री और देश की फोर्स में ज़्यादातर किसान पुत्र है, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश है उनके लिए? उनके लिए ये है कि पेंशन उनकी काट दी। बिल्कुल। उनकी सैलरियाँ टीचर से भी कम हैं, तो उनकी सैलरी भी उनकी बराबर, उनकी जो देश के बॉर्डर पे खड़ा पैरामिलिट्री का जवान, उनको पेंशन मिलनी, उनकी पेंशन मिलनी चाहिए, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए सबको, और उनके जो मकान हैं वो बड़ा बढ़ना चाहिए। एमपी एमएलए तो दो दो पेंशन लेते हैं। बिल्कुल, वो ठीक बात है, कहीं कहीं लेते हैं, दो दो नहीं, कहीं कहीं लेते हैं, क्योंकि कानून में बनाते हैं तो उन्होंने अपने लिए कानून पूर्ण रूप से बना रखे हैं, और जो कर्मचारी थे 2004 के बाद में उनकी पेंशनें खत्म हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।